की कहानी है। बहू अपने माँ बाप के लिए तो तेरे से खाना बन जाता है, हमारे लिए क्यों नहीं बनता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हम आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कह दूंगी, ये सब व्यवस्था कर देंगे। और ये कि आप कुछ घंटों के लिए मेरे पास आएगी, ऐसा क्यों, कुछ दिन यहाँ भी ठहर जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। आप कभी भी मेरे घर रुकती क्यों नहीं है। वो ज़माना चला गया जब बेटी के ससुराल माता पिता नहीं जाते थे। माँ, ये मेरा पैतृक ससुराल नहीं है जो आप यहाँ आना नहीं चाहती हैं। यहाँ तो आपके दामाद नौकरी करते, फिर यहाँ आने में क्या हर्ज। अनामिका फोन पर अपनी माँ नीलम से कहती हैं। नीलम जी बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पर घर तुम्हारा भाई अकेला होगा। अगर मैं तुम्हारे घर पर ठहर गई तो उसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दफ्तर और खुद का खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी सास है, पति है और बच्चे हैं, उन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। बस तुम्हारे पापा को डॉक्टर से दिखा कर मैं कुछ घंटे तुमसे और बच्चों से मिलकर वापस चली जाऊंगी। तुम हमें मत रोकना, नहीं तो ना करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी अच्छी बेटी हो, समझ सकती हो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। माता पिता के आने की खबर से ही एक लड़की का मन आनंदित होता है। भले ही वह कुछ पल की मुलाकात ही क्यों ना हो, वह उसके लिए कम नहीं होता है। अभी वही अनामिका भी महसूस कर रही थी, वह अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मायके उतना आना जाना नहीं कर पाती थी। उसी शहर में उसके पिता हर 3-4 महीने में डॉक्टर से दिखाने आते थे, तो कुछ घंटे बेटी से मिलकर वापस चले जाते थे। उसी रात अनामिका के पति प्रवीण जब ऑफिस से लौटे तो अनामिका ने माँ के आने की खबर दी और कहा, कल आप किसी गाड़ी वाले को स्टेशन भेज दीजिएगा, माँ पापा को लेकर सीधा अस्पताल जाएगी, फिर जब पापा का पूरा चेकअप हो जाएगा तब वापस हमारे पास कुछ घंटे के लिए आएगी। प्रवीण बोले, वो लोग यहाँ आकर फिर आराम से खा पी कर भी जा सकते थे। मैं खुश हो रहा था, और तुम कह रही हो वह कुछ घंटे रुक कर चली जाएगी, पर ऐसा क्यों। अरे वह जमाना चला गया जब बेटी दामाद के घर माँ बाप नहीं जाते थे। मैं इन बातों को नहीं मानता, अनामिका बोली, हमारे मानने से क्या होगा। वह गौरव भाई घर पर अकेला है, माँ को उसकी भी चिंता है, आप बस किसी गाड़ी वाले को कह दीजिएगा। प्रवीण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। अगले दिन प्रवीण ने अपने एक जान पहचान के ड्राइवर को गाड़ी के साथ स्टेशन पर भेज दिया। अनामिका बच्चों को फटाफट नाश्ता करवा कर टिफिन देकर स्कूल भेजी और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी सास कामिनी जी आई और बोली, क्या बात है बहू, आज तो तरह तरह की खुशबू आ रही है, देख रही हूँ कितनी देर से रसोई में लगी हो। अनामिका बोली, हाँ मम्मी जी, आपको तो बताना ही भूल गई, माँ पापा को लेकर डॉक्टर से दिखाने आई है। हो सकता है दोपहर में कुछ घंटे के लिए यहाँ आए तो मैं सोच रही थी खाना पीना खिला कर ही भेजो, क्योंकि वह यहाँ रुकेगी नहीं तो बस उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। कामिनी जी बोली, बहु बुरा मत मानना, पर वैसे तो रोजाना थोड़ा सा ही काम करके तुम थक जाती हो, आज तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं तो सपन भोग बनाने में लगी हो, फिर भी देखो तुम्हारे चेहरे पर थका नहीं है। अनामिका बोली, मम्मी जी वैसे तो हर रविवार में आप सबके लिए सपन भोग परोसती हूँ, पर कभी भी आपकी नजर
नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं होती और मैं अपने माँ बाप के लिए क्या बना रही हूँ, ये आपको दोपहर में दिख जाएगा। इतना कहकर अपना काम करने लगी और कामिनी जी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से प्रवीण का फोन आया, अनामिका दोपहर की तैयारी कर रही हो ना, आज मैं भी दोपहर के खाने पर आ जाऊंगा, कुछ घंटे मम्मी जी और पापा जी के साथ भी बिता दूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे तुम क्या बना रही हो, अनामिका हंसकर बोली। आप तो जानते ही हो पापा को शुगर की बीमारी है और माँ तेल वाली चीजें ज़्यादा खाती नहीं है, तो पापा के लिए करेले की सब्जी, तुवर की दाल, लाल साग और पिनर की चटनी बना रही हूँ और माँ के लिए लौकी की सब्जी, कच्चे केले का कोफ्ता और मीठे में थोड़ा सा कस्टर्ड बना रही हूँ, क्योंकि वह बच्चों को भी पसंद है, वो लोग भी खा लेंगे। प्रवीण हंसकर बोले, अरे वाह, आज तो हेल्दी हेल्दी खाना बन रहा है, बहुत दिनों बाद सादा सादा खाना खाकर भी बड़ा मज़ा आएगा। अनामिका बोली, खाने का आनंद तो अपनों के साथ मिलकर खाने में आता ही है, वरना तो सपन भोग भी परोस दो और मन किसी का खुश ना हो तो उस खाने का स्वाद नहीं आता। चलिए मुझे काम कर दी करने दीजिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी, बस आप समय पर आ जाइएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इधर कामिनी जी अपनी बेटी रेखा को फोन करके कहती हैं, पता है रेखा, आज बहू के माँ बाप आ रहे तो सुबह से रसोई में लगी हैं, वैसे तुम लोग आती हो तो आखिर बनाती ही क्या है, बस दो सार सब्जी और खीर बना देती हैं, फिर पूरा दिन गीत गाती रहती हैं कि मैं थक गई हूँ। रेखा बोली, माँ ऐसी बात क्यों कर रही हो, पिछली बार याद है आपको भाभी ने गिनकर 11 आइटम बनाए थे, मुझे आज भी याद है, पूरा डाइनिंग टेबल भर गया था। आपके दामाद तो बोले कि मुझे लग रहा था कि मैं शादी या किसी त्यौहार में गया था, जिस तरह से तुम्हारी भाभी ने हमारी खातिरदारी की थी और आप रही है कि वो हमारे लिए कुछ करती ही नहीं। सही कहा किसी ने, बहु सपन भोग परोस दे तब भी सास की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कामिनी जी कुछ कहती उससे पहले रेखा बोली, माँ या मेरी दो सब्जी और दाल रोटी बनाने में हालत खराब हो जाती है, शुक्र मनाइए आपको ऐसी बहू मिली है जो आपके स्वास्थ्य के अनुसार अच्छा भोजन बनाकर आपको परोसती हैं और कभी भी रसोई में आपसे मदद नहीं मांगती हैं। कामिनी जी नाराज होकर बोली, हाँ हाँ तुम तो बोलोगी ही, क्योंकि अब वह तुम्हारी माँ कुछ बनाकर तुम्हें खिलाती जो नहीं है, बनाती तो तुम्हारी भाभी हैं, तो उसके ही गुण गाओगी, माँ का क्या हुआ, वैसे भी बच्चे भूल ही जाते हैं। थोड़ी देर माँ बेटी ने बातें की, फिर फोन रख दिया। करीब 2 बजे अनामिका के माता पिता उसके घर पर आए, दोनों के हाथों में इतने सारे थैले देखकर अनामिका बोली, माँ आपकी आदत नहीं जाएगी, जब भी कहीं जाती हैं आप कितना कुछ लेकर चली जाती हैं। वह बोली, बेटा बेटी के घर पर कोई खाली हाथ नहीं आता है, और वैसे भी ये भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने सामान और बच्चों के लिए लाई हो। तभी कामिनी जी अंदर से बोली, क्यों समदान जी, दामाद नाती नतनी सब याद है और मुझे ही भूल गई, मैं भी यहीं रहती हूँ। तभी अनामिका के पिता मनोज जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल जाएंगे, ये देखिए आपके लिए ढूंढ कर सीताफल लाया हूँ। अनामिका हमेशा कहती थी कि मेरी सास को सीताफल बहुत पसंद है, उनके इतना कहते ही कामिनी जी आरस्य से अनामिका की तरफ देखने लगी। अनामिका अपने माँ पापा को पहले बाथरूम में हाथ पैर धोने ले गई, क्योंकि वो अस्पताल से आए थे, फिर उन सबको पुदीने का शरबत दी और बातें करने लगी। कामिनी जी बोली, बहु सुबह से रसोई में लगी हो, अब क्या शरबत से ही पेट भरोगी,
अनामिका बोली, हाँ मम्मी जी, बस खाना लगाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। कामिनी जी बोली, आप लोगों के खाने की खबर सुनते ही बहू सुबह से रसोई में नहीं लगी, न जाने कौन से कौन सपन भोग बना रही थी। थोड़ी देर में परवीन भी आ गए, फिर सब एक साथ खाने के टेबल पर बैठे। माँ बाप खाने को देख कर खुश हो गए कि बेटी को आज भी उनकी सेहत का स्वाद और ध्यान है। वही कामिनी जी उस खाने को देख कर आरसी से बोली, बहू मैं तो सोच ही तुम कुछ अच्छा बना रही हो, और ये क्या सादा सादा अपने माँ बाप को खिलाकर भेजोगी। ये भी क्या सोचेंगे कि किस गरीब के घर में अपनी बेटी भी आदि। अनामिक बोली, मम्मी जी मेरे माता पिता के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा होगा मैंने वही खाना बनाया है, और वैसे भी तामसी भोजन कभी कभी अच्छा लगता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे किसी भी घर वालों को कभी भी अस्पताल का रुख न करना पड़े, फिर ये खाना आपको भी अच्छा लगेगा खाकर तो देखिए। इतना कहकर सब खाना खाने लगे। कुछ घंटे बाद उसके माता पिता वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद कामिनी जी के मायके से कुछ रिश्तेदार आए थे। अनामिका ने वेज नॉन वेज दोनों थोड़ा थोड़ा बनाया था, क्योंकि बस चार लोग ही थे। सभी ने खाना खाया और अनामिका की बहुत तारीफ की, आपके भोजन की बहुत चर्चा सुनी है और सच में आपके हाथों में स्वाद है। कामिनी जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उन लोगों के जाने के बाद बोली, बहू ये क्या इतना कम खाना बनाया था, ऐसा ना हो कि वे लोग मेरे मायके में जाकर कहे कि हमारे घर में अनाज की कमी हो गई है। अनामिका बोली, मम्मी जी मेहमानों को अच्छा भोजन खिलाने से मतलब है या दिखावा करने से, और जितना खाना बनाया था भरपूर था, फिर बनाकर खाने को व्रत करना ये तो अच्छी बात नहीं है। कितने लोगों को रूखा सूखा भी नहीं मिलता, पर मैं अगर सपन भोग भी परोस दूं फिर भी आप उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खुद कहती हैं कि भोजन में अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है, और फिर अनाज अगर बर्बाद होगा तो वह भी तो देवी का अपमान होगा। इतना कहकर अनामिका चली गई। अगले दिन रविवार था। अनामिका दोपहर के खाने की तैयारी के लिए जैसे ही रसोई में जाने लगी, कामिनी जी पीछे से बोली, बहू पिछले कुछ दिनों से हम बहुत मसालेदार और तेलीय खाना खा रहे, तो इस रविवार को सादा सादा खाना बनाना, और हाँ इतना ही बनाना कि खाकर ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहती कि अनाज का अवमान हो, तो आज हम सब सादा भोजन खाएंगे। अनामिका उनके बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। कामिनी जी बोली, तुम ये मत सोचो कि मैं नाराज होकर कह रही हूँ, इस हफ्ते अगर सादा खाना खा रही हूँ तो अगले हफ्ते अच्छा खाना तुम्हें बनाना होगा। भले ही सपन भोग मत बनाओ, पर जो भी बनाना स्वादिष्ट बनाना, वरना मैं फिर नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। अब जब कभी भी अनामिका भोजन बनाती तो सब प्यार से खाते और उसके खाने की तारीफ करते। कामिनी जी अब कभी भी बहू के खाने में नुक्स नहीं निकाल देती, बल्कि रेखा को फोन करके भी कहती थी कि मेरी बहू सपन भोग बना ले या सादा भोजन बना ले, उसके जैसा स्वाद किसी के खाने में नहीं होता है।